Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. Parvin Mamar Ansari, आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? Big announcement coming in from the biggest production house we have in the country, YRF यानी के यशराज फिल्म्स. पर फ्रेंड्स, यशराज ने अपनी फिल्म्स की जो रिलीज डेट है उसकी पूरी की पूरी स्लेट जो थी, बंटी बबली 2, पृथ्वीराज, जयेश भाई जोरदार, समशेरा, ये सारी के सारी रिलीज डेट्स बहुत पहले अनाउंस कर दी थी. एंड गाइस, आज उन्होंने द ग्रैंड अनाउंसमेंट किया है अबाउट इट्स ओटीटी कोलैबोरेशन. वेल फ्रेंड्स, यशराज हैज टाइड अप विथ Amazon Prime. ऑब्वियसली पहले से ही उनकी बहुत सारी फिल्में हैं जो Amazon Prime पे आती है. मैं बार बार धूम 3, एकता टाइगर, यू नो टाइगर जिंदा है, ये सारी की सारी पिक्चर है यशराज की जितनी भी है, बचना है हसीन ऑफ द मैटर ऑफ फैक्ट, यू नो फैन शाहरुख खान की, ये सारी की सारी पिक्चर है मैं Amazon Prime पे देखते रहता हूँ. क्योंकि Amazon Prime की जो क्वालिटी है फैबुलस है. सबसे पहले एड्स नहीं आते हैं वहाँ पर, सब टाइटल्स जबरदस्त होते हैं एंड द क्लैरिटी इज सुपर्ब. एंड उसको भी आजकल टीवी पे कास्ट भी करके देख सकते हैं, तो बहुत ही फैंटास्टिक ऐप है Amazon Prime. अब गाइस, YRF हैज कोलैबोरेटेड विद Amazon Prime एंड द बिगेस्ट न्यूज इज दैट ये जो चार फिल्में हैं, बंटी बबली 2, शमशेरा, पृथ्वीराज एंड जयेश भाई, इनके OTT रिलीज डेट्स आ चुके हैं. इसका मतलब क्या है पहले आपको मैं सरल भाषा में समझाता हूँ. सरल भाषा में इस तरह से है पूरा का पूरा सिनारियो कि ये फिल्म्स पहले थिएटर में आएंगी एग्जैक्टली 4 हफ्ते यानी कि 1 महीने. एग्जैक्टली आफ्टर 4 वीक्स एंड 1 मंथ दीज फिल्म्स विल रिलीज ऑन OTT. यानी कि आपको ये फिल्में पहले थिएटर में देखने पड़ेगी, फिर ये OTT पर आएगी. बात करें बंटी बबली द्वितीय की, तो ये फिल्म सिनेमाघरों में 19 यानी कि 19 नवंबर को रिलीज होने वाली थी एंड OTT पर ये फिल्म 19 दिसंबर को आ जाएगी. गाइस, बंटी बबली तो बजट वाइज बहुत ही छोटी फिल्म है, लेकिन गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें पृथ्वीराज की, तो पृथ्वीराज को भी यहाँ पर उन्होंने 1 महीने में ही OTT पर ला दिया है. क्योंकि गाइस अभी इकोनॉमिक्स का कोई भरोसा नहीं है यहाँ पर, किस तरह से फिल्में पैसे कमाएगी, उस तरह की रिकवरी होगी या नहीं होगी. इसी का कारण है ये सारे के सारे OTT डील्स अभी से यहाँ पर फाइनलाइज कर दिए हैं. पृथ्वीराज 21 जनवरी 2022 को रिलीज होने वाली है एंड गाइस OTT पर आपको पृथ्वीराज, अक्षय कुमार की पृथ्वीराज, 22 नहीं बल्कि 20 फरवरी को, 20 मार्क योर डेट, 20 फरवरी को Amazon Prime पे देखने के लिए मिलेगी. तो 1 महीने में ही ये फिल्में OTT पर आ जाएगी. फिर गाइस बात करें जयेश भाई जोरदार की, तो जयेश भाई जोरदार 25 फरवरी 2022 को, यानी कि रणवीर सिंह की जयेश भाई जोरदार 25 फरवरी 2022 को रिलीज होने वाली है सिनेमाघरों में, लेकिन OTT पर ये फिल्म 26 मार्च 2022 को OTT पर आ जाएगी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शमशेरा, रणबीर कपूर, संजय दत्त, शमशेरा 18 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में आएगी एंड उसके बाद 16 अप्रैल 2022 को ये OTT पर यानी कि Amazon पे आएगी. सो गाइस, मार्क योर डेट्स, मार्क योर कैलेंडर्स. Amazon Prime का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो ले लीजिए. सुनने में आ रहा है कि वो सब्सक्रिप्शन रेट्स बढ़ा रहे हैं, तो आप अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अर्ली पैक ले लीजिए. सारी की सारी फिल्में आपको थिएटरों के बाद OTT पर देखने मिलेगी. वेल फ्रेंड्स, ऑल दीज फिल्म्स आर थिएटरिकल एक्सपीरियंसेस. आप इन्हें कृपया करके थिएटर्स में पहले एंजॉय कीजिए एंड बाद में रिपीट व्यूइंग के लिए आप इन्हें OTT पर देख सकते हो. द बिगेस्ट क्वेश्चन, द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज दैट वेयर इज टाइगर 3 एंड पठान. नहीं गाइस, यशराज ने पठान एंड टाइगर 3 अभी तक अनाउंस ही नहीं किए, तो उनके OTT डील्स अगर उन्होंने कर भी दिए होंगे तो वो ऑफिशियली वो रिवील नहीं करेंगे. सुनने में आ रहा था कि टाइगर 3 एंड पठान विल कम ऑन Amazon Prime 8 वीक्स आफ्टर इज थिएट्रिकल रिलीज, यानी कि 2 महीने के बाद वो दोनों फिल्में जो है, क्योंकि दे आर द बिगेस्ट यशराज फिल्म्स दे आर मेकिंग, वो सारी फिल्में जो है वो 2 महीने के बाद OTT पर आएगी. लेकिन अब तक वो फिल्म ऑफिशियली अनाउंस नहीं होती, उनकी शूटिंग्स ऑफिशियली समाप्त नहीं होती, ये डील के बारे में बात करना सही नहीं होगा. एंड अभी फिलहाल यहाँ पर इतने पे ही रखते हैं. तो ये कंफर्म डील है, 8 हफ्ते है, 12 हफ्ते है, वो कोई भी कंफर्म नहीं है. तो पठान एंड टाइगर 3, फिर आमिर मामू का बेटा जो है महाराज, वो वाली फिल्म हो गई हो उनकी, सारी की सारी फिल्में, इवन विकी कौशल की जो फिल्म है जो उन्होंने शूट की है YRF के साथ, वो फिल्म की शूटिंग भी समाप्त हो चुकी है. पठान एंड टाइगर 3 ऑब्वियसली शूटिंग समाप्त नहीं हुई है, तो वो डील्स अभी फिलहाल डिस्क्लोज नहीं की गई है. वो 4 हफ्ते हैं, 8 हफ्ते, किसी को पता नहीं है. लेकिन ये जो फिल्में हैं इनकी डील्स साइन सील्ड एंड डन हो चुकी है 4 हफ्तों के बाद OTT पर. एज ऑलवेज से स्टे कूल मान.